हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द 27th एपिसोड ऑफ एनिमे न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं माय हीरो एकेडमिया की नई मूवी, जोजोस पार्ट 6 एनिमे अनाउंस्ड, अटैक ऑन टाइटन मांगा और सीजन 4 पार्ट 1 दोनों ही एंडेड और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं, देरी किस बात की। So the part 1 of this anime news is trailers, promos, anime announcements and more. So जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 एंड हो चुका है, जिन्होंने नहीं देखा वो इसे अभी बिंज वॉच कर सकते हैं। तो सीजन 1 एंड होने के बाद अनाउंस की गई है जुजुत्सु काइसेन की एनिमे फिल्म। इस फिल्म में जुजुत्सु काइसेन जीरो टोक्यो प्रीफेक्चुरल जुजुत्सु हाई स्कूल एनिमे अडेप्ट किया जाएगा, जो कि जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 की प्रीक्वल स्टोरी है। स्टूडियो मापा ही इस मूवी को एनिमेट करने वाला है। मूवी अनाउंसमेंट की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे कि आप सभी को पता था, ब्लैक क्लोवर फ्रेंचाइजी एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करने वाली थी और वो अनाउंसमेंट है कि ब्लैक क्लोवर फ्रेंचाइजी की पहली मूवी श्वेशा ने अनाउंसमेंट के साथ एक की विजुअल और एक वीडियो भी रिलीज किया है। विजुअल आपकी स्क्रीन पर है और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेयरवेल माय डियर क्रेमर मूवी फर्स्ट टच मूवी का नया ट्रेलर और पोस्टर रिलीज हुआ है और पोस्टर से रिवील हुआ है कि मूवी 11 जून को रिलीज होने वाली है। मूवी की रिलीज डेट इससे पहले 1 अप्रैल को शेड्यूल थी, बट कुछ रीजंस के कारण इसे डिले करना पड़ा। गुड बाय क्रेमर एनिमे भी 4 अप्रैल से एयर होना शुरू हो चुका है। तोहो ने ममोरू होसादा की अपकमिंग एनिमे फिल्म पेले का फुल ट्रेलर स्ट्रीम किया है और ट्रेलर से यह भी रिवील हुआ है कि मूवी जुलाई में रिलीज होने वाली है। मूवी के स्टाफ ने एक कैरेक्टर डिजाइन भी शेयर किया है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो हाल ही में जोजोस बिजार एडवेंचर की एक लाइव स्ट्रीम इवेंट में जोजोस बिजार एडवेंचर्स पार्ट 6 स्टोन ओशियन मांगा की एनिमे अडेप्टेशन अनाउंस हो चुकी है। वॉइस एक्ट्रेस आई फाइरोज पार्ट 6 की प्रोटैगनिस्ट जोलिन को आवाज देने वाली है एंड लाइव स्ट्रीम के दौरान जोलिन का कैरेक्टर डिजाइन भी रिवील किया गया है। शी लुक्स सो क्यूट। पोकेमॉन जर्नीज द सीरीज के स्टाफ ने रिवील किया है कि 7 साल बाद पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट की आइरिस इस नए सीरीज में अपीयर होने वाली है। यह स्पेशल एपिसोड 7 मई को रिलीज होगा। एपिसोड का टाइटल है ड्रैगन बैटल सातोशी वर्सेस आइरिस। एनिमे जापान 2021 में बहुत सारे एनिमे के प्रोमोज रिलीज हुए हैं और नए एनिमे अडेप्टेशन की अनाउंसमेंट्स हुई है। एनिमे जापान 2021 में एनीप्लेक्स के स्टेज इवेंट में स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन द मूवी प्रोग्रेसिव आर्ट ऑफ अ स्टारलेस नाइट मूवी का सेकंड टीजर रिलीज किया गया है विजुअल के साथ। ये भी कंफर्म हुआ है कि मूवी इस फॉल में रिलीज होने वाली है। फेट फ्रेंचाइज की एक और मूवी फेट ग्रैंड ऑर्डर पलादीन अगातेराम और व्हाटएवर का एक प्रोमो रिलीज हुआ है। प्रोमो में मूवी का थीम सॉन्ग तोमेई और ट्रांसपेरेंट बाय मामोरू मियानो भी फीचर्ड है। तो कादोकावा ने रिवील करा है कि फेट स्टे नाइट अनलिमिटेड ब्लेड वर्क्स की मांगा अडेप्टेशन होने वाली है बाय दाइसुके मोरियामा। मोरियामा इसके साथ फेट ग्रैंड ऑर्डर सेबर वॉर्स 2 वन शॉट मांगा का इलस्ट्रेशन भी कर रहे हैं। द वैम्पायर डाइज इन नो टाइम अक्टूबर 2021 में रिलीज होने वाला है। इसके साथ एनिमे की नई विजुअल और प्रोमो भी रिलीज हुए हैं। तो ये सारे वो अनाउंसमेंट्स थे जो एनिमे जापान 2021 में किए गए हैं। नाउ वायलेट एवरगार्डन मूवी की ब्लू रे अनाउंस हो चुकी है जो कि 4 अगस्त को रिलीज होगी। फनीमेशन ने कंफर्म किया है कि वंडर एग प्रायोरिटी की स्पेशल एडिशन रिलीज होने वाली है 29 जून को। इस एपिसोड में वंडर एग प्रायोरिटी कंटिन्यू होने वाला है और ओवरऑल स्टोरी के कंक्लूजन भी होगा जो हमें एनिमे में अभी तक देखने को नहीं मिला। तोहो ने द डियर किंग फैंटेसी नोवेल सीरीज मूवी अडेप्टेशन का पहला ट्रेलर स्ट्रीम किया है। मूवी का टाइटल है द डियर किंग द प्रॉमिस जर्नी विद यूना। मूवी 10 सितंबर को रिलीज होने वाली है। तो अटैक ऑन टाइटन मांगा फाइनली ऑफिशियली एंड हो चुकी है एंड हाजिमे इसायामा ने ट्वीट करके ये बताया है कि कोदांशा अटैक ऑन टाइटन मांगा के इलीगल अपलोड्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली है। तो मे भी अगर कोई अपने यूट्यूब चैनल पर अटैक ऑन टाइटन मांगा के पैनल्स अपलोड करता है तो उन्हें स्ट्राइक मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हैं और सबसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में स्पॉयलर्स देकर किसी का एक्सपीरियंस मत बिगाड़ो प्लीज। तो आनोहाना के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने ये ट्वीट करके बताया है कि आनोहाना द फ्लावर वी सॉ दैट डे एनिमे सीरीज की 10th एनिवर्सरी प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। 28 अगस्त को एक इवेंट में इस प्रोजेक्ट को लेकर इसके डिटेल्स रिवील किए जाएंगे। इसके साथ साथ डायरेक्टर मासायोशी तानाका ने एक विजुअल शेयर किया है जो आपकी स्क्रीन पर है। इस विजुअल में आनोहाना के जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो 10 साल ज्यादा बड़े हो चुके हैं। माय हीरो एकेडमिया द मूवी वर्ल्ड हीरोज मिशन का ऑफिशियल की आर्ट रिलीज हो चुका है। इस की आर्ट को योशिकिको उमाकोशी ने इलस्ट्रेट किया है। मूवी जापान में 6 अगस्त को रिलीज होने वाली है। द वे ऑफ हाउसहस्बैंड का पार्ट 2 अनाउंस हो चुका है। इसके पार्ट 1 आप नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं जिसे जेजी स्टाफ ने एनिमेट करा है। पार्ट 1 में टोटल 5 एपिसोड्स हैं। एडन जीरो नेटफ्लिक्स पर इस फॉल में 2021 में रिलीज होगा ग्लोबली। फिलहाल तो बस ये नेटफ्लिक्स जापान में ही ब्रॉडकास्ट हो रहा है एक्सक्लूसिवली। तो स्टूडियो मापा का एक और एनिमे यासुके नेटफ्लिक्स पर ग्लोबली 29 अप्रैल को रिलीज होगा एंड मैन दैट ट्रेलर लुक्स सिक। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। दैट टाइम आई गॉट रीइनकार्नेटेड एज अ स्लाइम सीजन 2 पार्ट 2 इस साल जुलाई 2021 में एयर होगा। साथ साथ अटैक ऑन टाइटन द फाइनल सीजन का पार्ट 2 भी अनाउंस हो चुका है। पार्ट 2 विंटर 2022 में आएगा, प्रोबेबली जनवरी 2022 में। यूरो कैंप की अपकमिंग मूवी एगा यूरो कैंप 2022 में रिलीज होने वाली है। डायरेक्टर योशियाकी ने एक कॉन्सेप्ट विजुअल भी शेयर किया है जो कि इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। सो मल्टीपल प्लेगियरिज्म एक्यूजेशंस के कारण टोक्यो बेबीलोन 2021 एनिमे की करंट एनिमे प्रोडक्शन कैंसिल कर दी गई है और अभी नए प्रोडक्शन के साथ एनिमे को दोबारा प्रोड्यूस किया जाएगा। एनीप्लेक्स ने अनाउंस किया है कि जुन मोचिजुकी की मांगा द केस स्टडी ऑफ वेनिटास की एनिमे अडेप्टेशन होने वाली है। बोन्स स्टूडियो ये एनिमे प्रोड्यूस करेगा और एनिमे इस समर में रिलीज होने वाला है। तो फैंटम सियर मांगा का लास्ट चैप्टर वीकली शोनन जंप के 18वें इशू में पब्लिश हुआ है। ये मांगा शोनन जंप ऐप में अवेलेबल है। इसके साथ साथ सेम इशू में ये भी रिवील हुआ है कि नेक्स्ट 2 इशूज में मैगजीन 2 नई मांगा पब्लिश करने वाली है। पहली मांगा है ऑथर कोजी मियोरा की ब्लू बॉक्स, दूसरी मांगा है इपोन ताकेगुशी और सेंता मिताराशी की अमेनो फुरु। दोनों ही मांगा शोनन जंप ऐप पर अवेलेबल होंगी। डेडपूल की ऑनगोइंग मांगा डेडपूल समुराई के लेटेस्ट चैप्टर में माय हीरो एकेडेमिया के ऑल माइट का कैमियो है। लेटेस्ट चैप्टर के ऑफिशियल इंग्लिश ट्रांसलेशन अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं। मांगा शोनन जंप ऐप में अवेलेबल नहीं है, तो किसी को मांगा पढ़ना है तो गूगल करके पढ़ लेना। तो ये एनिमेशन ने अनाउंस किया है कामेन राइडर डब्ल्यू सीक्वल मांगा की एनिमे अडेप्टेशन। एनिमे का टाइटल है फूतो पाए और एनिमे समर 2022 में रिलीज होने वाला है। कात्सुशी गोतो कॉम्पिलेशन फिल्म 9 जुलाई को जापान में रिलीज होने वाली है। मूवी का टाइटल है कात्सुशी गोतो हिडन थिंग्स। मूवी का टीजर वीडियो और विजुअल रिलीज हो चुके हैं। टीजर और विजुअल में हीमे को 18 साल का दिखाया गया है। फनीमेशन और जेजी स्टाफ के एनिमे फिल्म लेट मी हियर यू सिंग ऑफ लव का ट्रेलर रिलीज किया गया है। इसके साथ साथ लास्ट वीक और भी बहुत सारे प्रोमो वीडियो और टीजर रिलीज हुए हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। So now, moving on to the second part of this anime news, anime gaming news. तोहो ने अनाउंस किया है कि तोहो गॉडजिला फ्रेंचाइजी की 3 स्मार्टफोन गेम्स रिलीज करने वाला है। गेम्स का टाइटल है गॉडजिला बैटल लाइन, गॉडजिला डिस्ट्रक्शन और रन गॉडजिला। रन गॉडजिला कैजुअल टाइप गेम होने वाली है जिसमें हम गॉडजिला को रेज कर पाएंगे। रन गॉडजिला जापान में इस जून में रिलीज होने वाली है। गॉडजिला डिस्ट्रक्शन गेम में हम गॉडजिला बन के सिटीज डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। ये गेम अप्रैल में रिलीज होगी और जापान के साथ साथ और भी बहुत सारी कंट्रीज में रिलीज होगी। गॉडजिला बैटल लाइन में 3 मिनट्स मॉन्स्टर ऑल स्टार बैटल होने वाला है। ये भी अप्रैल में ही रिलीज होगी और तीनों गेम इस साल के एंड तक वर्ल्ड वाइड भी रिलीज हो जाएगी। तो कोनामी ने अनाउंस किया है यूगीओ रश डुअल गेम जो कि इस समर में निंटेंडो स्विच पर अवेलेबल हो जाएगी। इस नए गेम में यूगीओ 7 एनिमे के कैरेक्टर्स भी होने वाले हैं। बैंडाई नामको एंटरटेनमेंट अमेरिका ने अनाउंस किया है पैकमैन फ्रेंचाइजी की न्यू गेम लॉन्च। गेम का टाइटल है पैकमैन 99। गेम निंटेंडो स्विच के लिए अवेलेबल होगा। अरिका ये गेम डेवलप कर रही है। गेम मल्टीप्लेयर होने वाला है और एक साथ 99 प्लेयर कम्पीट कर पाएंगे। सो अब आता है इस न्यूज वीडियो का लास्ट सेगमेंट, एनिमे न्यूज रिलेटेड टू इंडिया। सो 1 अप्रैल से कुछ दिन पहले बर्निंग कबड्डी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने अपने ट्वीट कैप्शंस वगैरह को सब चीजें हिंदी में लिखना शुरू कर दिया था और सबको लगने लगा था बर्निंग कबड्डी इंडिया के लिए कोई लीगल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाला है, पर वो बस अप्रैल फूल जोक था जो कि इन्होंने बाद में कंफर्म किया एक नया ट्वीट करके। और अभी के लिए बर्निंग कबड्डी इंडिया के किसी भी लीगल प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है। खैर, बर्निंग कबड्डी के 2 एपिसोड आ चुके हैं, तो आपको एपिसोड कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो नेटफ्लिक्स इंडिया, एनीवन एशिया और म्यूज एशिया इस सीजन कुछ नए एनिमे स्ट्रीम करने वाले हैं और उन सभी एनिमे की लिस्ट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। आप वीडियो को पॉज करके इन सब के नाम पढ़ सकते हैं। ये सभी स्प्रिंग 2021 के एनिमे हैं जिन्हें आप लीगली इंडिया में देख सकते हैं। सो हाँ, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और वीडियो में। बाय।